आज हम जायका लेंगे इटालियन खाने का। वेलकम बैक टू एसआरए फूड में जाहिद एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो होगा TIFT कैफे का। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज इंदिरा नगर पर ये कैफे है। ये रहा वो कैफे, देखिए TIFT द इटालियन फूड टेस्ट, नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पर आपको इटली का ब्रंच स्नैक्स देखने को मिलेगा। देखो एंट्रेंस बहुत प्यारा सा लग रहा है, अच्छी तरह से सजा कर रखा है और बिल्कुल वही कैफे वाला लुक है, वही बड़ी कुर्सियां, वही अच्छी तरह की सजावट जो कैफे में होती है। परफेक्ट। आइए इनका मेन्यू कार्ड फटाफट देखते हैं और यहाँ की स्पेशल चीजें ऑर्डर करते हैं। सर आपका मेन्यू कार्ड इस साइड पर। ओके आइए तो ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले मॉकटेल से शुरू करेंगे। मॉकटेल में यहाँ का स्पेशल है ब्लू कोराको, तो सर एक ये कर दीजिए। और ये 25 रुपीज में वेज बर्गर, चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ का स्पेशल इटालियन वेज ग्रिल सैंडविच जो इनके सीक्रेट सॉस से बना है, इसे तो आप जरूर ट्राई करिए, कैफे की जान है। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जिंगर बर्गर और चिकन पॉपकॉर्न, ये दोनों आइटम अगर आप नहीं खा रहे हो तो फिर आप बहुत ही जायकेदार चिकन की इन दो रेसिपीज को मिस करने वाले हो TIFT की। चलिए हम ऊपर बैठते हैं, तब तक हमारा ऑर्डर आ रहा है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये पार्ट मेरा वीडियो का डिलीट हो गया था, इसे मैं रीशूट कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से कैबिन बना कर रखा है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करने के लिए। और अगर आप ग्रुप्स में आ रहे हो, अगर आप बर्थडे पार्टीज करना चाहते हो, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो चलिए इसी पोर्शन पर मैं भी अपना ऑर्डर जो लगवा रहा हूँ। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए कमाल का व्यू रोड का है फ्रेश एयर के साथ, फर्स्ट क्लास। देखिए मेरा ऑर्डर भी लग गया है। जैसा कि मैंने कहा, कैफे की जान वेज ग्रिल सैंडविच इटालियन सॉस के साथ, इनका सीक्रेट सॉस इसमें डला है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये बोनलेस पॉपकॉर्न तो आप यहाँ खाओगे ही खाओगे। ये जिंगर बर्गर, इसके साथ में फ्राइज भी आती है, 99 रुपीज में ये पोर्शन आपको मिलेगा, तो एक बहुत अच्छी डील होने वाली है। एक बार मैं समझता हूँ आप जरूर यहाँ आकर ये ट्राई करेंगे। देखिए आज मेरे साथ मेरा बेटा भी है। और कलर देखिए इसका कोराको का, बेहतरीन, एकदम रिफ्रेशिंग मॉकटेल मुझे लग रहा है देखने से ही। मेरे बच्चे को भी देखिए पसंद आ रहा है और मुझे पता है वो दो ही चीज लेगा यहाँ पर, एक फ्राइज खाएगा और दूसरा ये मॉकटेल पिएगा। देखिए जैसा कि मैं कहा था, फ्राइज वो स्टार्ट कर दिया, अब दूसरा वो लेगा मॉकटेल। कैसा है? ओके चलो सर को अच्छा लगा। चलिए अब हम जायका स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले मैं कोराको लेता हूँ और एक सीप लेकर देखता हूँ कि कैसा है। देखने से तो आप अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एकदम वर्दी, कोई आपको शिकायत नहीं आएगी इसमें। अब यहाँ की स्पेशल जो इनका सीक्रेट सॉस के साथ बनता है सैंडविच, वो ट्राई करेंगे। देखो कितना सॉफ्ट और कितना मेल्टी है, ये देखिए बहुत बेहतरीन, सच में देखने से ही अंदाजा लग रहा होगा आपको इसकी क्वालिटी। चलिए खाकर देखते हैं। अगर ये सैंडविच खाने के बाद में अगर आप शिकायत करोगे तो फिर आप फूडी नहीं हो, आपको जायके की परख नहीं है। बहुत सही टेस्ट था सैंडविच का। चलिए आप बर्गर भी देखते हैं। 25 रुपीज में ये बर्गर दिया इन्होंने, अच्छी तरह से बन को देखिए ग्रिल किया हुआ है बाकायदा। ये भी एक टेस्ट लेते हैं। रेट वाइज सही है, 25 रुपये में कैसे दे रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप यहाँ पर आने वाले हो और इन सब चीज़ों को टेस्ट करने वाले हो। अब बारी आती है नॉनवेज की। बोनलेस पॉपकॉर्न आपको मिलेगा नॉनवेज में, अच्छा फ्राई किया हुआ है, अंदर से पूरा जूसी लग रहा है। देखिए अंदर तक इसने जज्ब किया चिकन ने मसाले को, तो जैसा कि मैंने कहा अंदर तक मसाले जज्ब है, अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। पॉपकॉर्न भी अपनी जगह बहुत सही है, बोनलेस है तो आपको और कोई टेंशन नहीं है, बस उसको बस आप बातें करते रहो और उसको खाते रहो। ये तो ही अपना रेगुलर फ्राई, ये कॉम्बो एक आता है 99 में।
ये तो रेगुलर है समझो। एक टाइम था जो इसको इतना हाइप मिला था, हम जब कॉलेज में थे, फ्राइज एक बहुत पॉपुलर चैन था। खैर अच्छी तरह से देखिए प्लेटिंग सजा के दिया है बर्गर की भी, जिंगर बर्गर साथ में फ्राइज सॉस, एक छोटी सी प्लेट शानदार। जैसा कहते हैं खाना तीन तरीकों से खाया जाता है, उसमें एक तरीका आँख से देखते हुए भी। तो इस तरह अगर अच्छे से आप सजा कर दोगे, प्लेटिंग करके दोगे, तो खाने वाला कस्टमर भी आपका खुश होकर जाएगा। बन का साइज देखिए, बन का क्वालिटी, अंदर जो टिक्की डली है चिकन की वो देखिए, परफेक्ट मायो एकदम से मेल्ट होकर के गिरने के लिए तैयार है। इससे पहले गिजे में बाइट ले लेता हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत सही। देखिए बन भी किस तरह से अच्छे से ग्रिल हुआ है, बहुत अच्छा। वो पाव का टेस्ट नहीं आ रहा है कच्चा बन, बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। मैंने जो जो ऑर्डर किया, अगर आप वो ऑर्डर करोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, वर्दी रहेगा आपके लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।